जय हिंद मैडम सर. जय हिंद. वो हम कुछ कहना चाह रहे थे आपसे. हाँ हाँ पूछिए. वो अनुभव भैया को आपको पति बनाने का क्या जरूरत था? हमने उन्हें उन्होंने कहा कि वो हमारे पति बने हैं. और एक सेकंड करिश्मा सिंह, वो हमारे शहर के डीएसपी हैं, हमारे सीनियर हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो करना हमारा फर्ज है. उस सिचुएशन में उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया और हमें जो सही लगा वो हमने किया. इट वॉज नथिंग पर्सनल, हम बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़ने का क्या जरूरत था? बिना हाथ पकड़े भी तो एक्टिंग हो सकता है ना. आप तो मेथड एक्टिंग कर दिए बिल्कुल. हाँ करिश्मा सिंह, लेकिन हाथ उन्होंने पकड़ा था, हमने नहीं. लेकिन आप छुड़वा भी तो सकती थी हाथ. देखिए उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि हाँ हालात ऐसे थे. सही कह रही हैं आप. जय हिंद मैडम सर. जय. मैडम सर ये उन कपल्स की लिस्ट है जो लखनऊ के ऑलमोस्ट सभी IVF सेंटर्स के चक्कर निकाल चुके हैं या मे भी निकाल रहे हैं. इतनी बड़ी लिस्ट? लगभग 500 कपल्स हैं. एक काम करो, ये जितने भी कपल्स हैं इनमें से ऐसे कपल ढूंढो जो कुछ दिन पहले ही पेरेंट्स बने हो या कुछ दिन पहले ही उनके पास एक बच्चा देखा गया हो. उन सारे कपल्स की एक छोटी लिस्ट बनाओ. उन सब से जाकर पर्सनली मिलिए, अच्छे से इंटरोगेट कीजिए. एक एक के लीगल डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के पेपर्स या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रूफ हो, सब कुछ अच्छे से चेक और क्रॉस चेक करो. देखो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. पता लगाओ कि ये सारे कपल्स जेन्युइन हैं भी या नहीं. क्योंकि शिखा का बच्चा जिस कपल को बेचा गया है, हो सकता है वो कोई जरूरतमंद कपल हो जो एक बच्चे के लिए डेस्परेट हो. चलिए काम पे लगिए, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा. एक मिनट. एक चीज याद रखिए कि हमारा मकसद फिलहाल एक खोए हुए बच्चे को अपनी माँ से मिलवाना है. हमारा सारा फोकस, हमारी सारी एनर्जी सिर्फ इस मकसद पर होनी चाहिए और किसी चीज पर नहीं. हमने उस माँ से वादा किया है कि हम उसके बच्चे को लौटाएंगे और उसने भी हम पर भरोसा दिखाया है. इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, किसी भी शर्त पर, हमें उस बच्चे को उस माँ तक दोबारा पहुँचाना है. हमें ये साबित करना है कि ये महिला पुलिस थाना है और यहाँ से कोई नाउम्मीद होकर नहीं जा सकता. क्लियर? जय मैडम सर. पुष्पा जी ये वो लिस्ट है जहाँ अभी अभी न्यू बॉर्न बेबीज पैदा हुए हैं. आप इनको फोन करके इनके बारे में पता कीजिए, तब तक मैं इनके एड्रेसेस निकालती हूँ. ठीक है. हाँ नमस्कार, आपके यहाँ कोई नवजात शिशु है? नहीं है. संतू? हाँ पुष्पा जी. यही तीन माँ बाप मिले हैं जिनके यहाँ नवजात शिशु है. मैडम ये आखिरी कपल है जिसके घर पे दो दिन पहले न्यू बॉर्न बेबी हुआ था. हाँ. इससे पहले जितने भी कपल्स को चेक किया ना, सब क्लीन चिट थे. अगर ये भी इनोसेंट निकला तो फिर हम आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं संतु, ये केस सॉल्व होकर रहेगा, देख लेना. मैडम ये है मिस्टर पांडे जी. हाँ मिस्टर पांडे जी आप हैं जी. किस सिलसिले में मिलना था आपको? दरअसल रूटीन इंक्वायरी के तौर पे जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं ना, तो उनकी प्रामाणिकता जांच रहे हैं हम. उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं ताकि आगे जाके सरकारी आंकड़ों में थोड़ा हेरा फेरी ना हो, सब मतलब चौकस रहे, एकदम अपडेट है ना. तो आपके बच्चे का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं? जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं जी. दिखाइए. पर क्या? एक्चुअली जिस बैग में इनके डॉक्यूमेंट्स है वो गुम हो गया है जी. मौसा जी के घर में गए थे तो वहाँ पे कहीं खो गया है जी. वापस से बनाने दिए डॉक्यूमेंट, जैसे ही बन जाएंगे आपको दिखा देंगे ना. जी जी जी, होता रहता है, चीजें क्या खोती रहती है ना. वही तो. हाँ वही, लेकिन एक चीज है, नाम है जो आजीवन आपके साथ रहता है वो कहीं नहीं खोता है ना. तो आपके डॉक्टर का नाम बताइए जिसने आपके बच्चे का डिलीवरी करवाया. आप जानते भी हैं आपने क्या किया है? ऑफ कोर्स, आपके चेहरों पर लिखा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो इलीगल है, गैर कानूनी है. माँ बाप बनने के लिए बहुत से जायज और कानूनन तरीके हैं,
बच्चा खरीदने जैसा गैर कानूनी और गलत काम करने की जरूरत क्या थी? दिल से कह रहे हैं मैम, जो भी हमने किया है उससे हम बेहद शर्मिंदा हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने माँ बाप बनने के लालच से ये सब नहीं किया। तो फिर क्यों किया? इस बच्ची के लिए किया। इसकी माँ, जिससे हमने ये बच्ची खरीदी थी, उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और मैं चाहता था कि इसकी परवरिश अच्छे से हो। इसलिए हमने उस औरत से इस बच्ची को खरीदा ताकि हम इसे अच्छी लाइफ दे सकें। वो औरत कहाँ मिली आपको? जी, गोमती नगर IVF सेंटर से। हम बच्चे के लिए अक्सर IVF सेंटर जाया करते थे, तो वहीं वो औरत मिली हमें। वो औरत शक्ल से बिल्कुल गरीब और जरूरतमंद लग रही थी, और हमें बच्ची पे तरस आ गया। देखिए, आपकी इंटेंशन सही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो कुछ भी किया वो जस्टिफाई हो जाता है। जो गलत है वो गलत है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इतना नहीं सोचा कि जिस औरत से आप ये बच्चा खरीद रहे हैं, हो सकता है वो बच्चा इस औरत का हो ही ना, कहीं से चुराया हुआ हो। क्या? जी हाँ, ये बच्चा चुराया हुआ हो सकता है, ये सोचा आपने एक भी बार? हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके बच्चे को आप तक सही सलामत पहुंचाएंगे। जाइए, आपका बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। सच कहें तो हमें यकीन नहीं होता कि कोई औरत एक औरत होकर सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर सकती है। एक माँ को जिंदगी भर का दर्द दे कैसे सकती है? संतोष, इनकी मदद से उस औरत का स्केच बनाइए। सॉरी मैडम सर, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं स्केच आर्टिस्ट को बुला लूं? जी प्लीज, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ? ये मेरा मिट्ठू नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? देखिए तो कितना प्यारा बच्चा है, ये आप ही का मिट्ठू है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को पहचान सकती हूँ। ये मेरा मिट्ठू नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा, आराम से प्लीज बैठ जाइए। आपकी वाइफ ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खोने के सदमे से कोई मानसिक आघात या फिर भावनात्मक समस्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। शिखा मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। और शिखा तो क्या, मैं भी पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा मिट्ठू नहीं है। Are you sure ये आपका बच्चा नहीं है? मैं कह रही हूँ ना, ये मेरा बच्चा नहीं है, नहीं है। अगर ये शिखा का बच्चा नहीं है, इसका मतलब किसी और का बच्चा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ से अलग हुए हैं। हमें नहीं लगता कि ये केस अब सिर्फ एक बच्चे का रह गया है। पूरा का पूरा एक रैकेट है जिसका काम ही है छोटे छोटे बच्चों को चोरी करना और फिर इनके जैसे कपल्स को बेचकर इनके पैसे ऐंठ लेना। पुष्पा जी। जी मैडम। चाइल्ड सर्विसेज में कॉन्टैक्ट कीजिए, कहिए इस बच्चे का ध्यान रखें। जी। करिश्मा सिंह जी, शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में कॉन्टैक्ट करिए, पता लगाइए कि किसी बच्चे के गुमशुदा होने का किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में पता लगाइए कि रिसेंटली क्या कोई बच्चा चोरी हुआ है, और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर सबकी डिटेल हमें चाहिए। क्लियर? क्लियर जी मैडम सर। टीम महिला पुलिस थाना, धरती खोदिए, आसमान फाड़िए, जो करना है करिए, लेकिन अगले 5 घंटों के अंदर हमें औरत इस थाने में चाहिए। आज के बाद इस शहर में एक भी बच्चा चोरी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। लेकिन उससे पहले हमें साथ में कहीं और पहुंचना है। साथ में कहां? जय हिंद सर। जय हिंद।
तो हमने आप दोनों को एक दूसरे के बारे में 3 बुरी बातें लिख कर देने के लिए कहा था। तो चलिए उच्च स्वर में पढ़कर सुनाइए कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या लिखा है। आपसे प्रारंभ करते हैं हसीना मलिक। माफ कीजिए सर, लेकिन हमें ऐसी भी कोई बात नहीं लगी जो लिखी जा सके, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। और करिश्मा जी आप? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है जी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इनके बारे में जो बुराई की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको कोरा कागज दिए। तो आप दोनों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको इनके और आपको इनके बारे में जो पसंद नहीं आती है, अर्थात आप दोनों में ऐसी कोई बुराई है ही नहीं जिसका उल्लेखन किया जाए। Am I right? जी सर, हमें ऐसा ही लगता है। बुराइयां और कमियां हम सब में होती हैं। ये कमियां हमारा व्यक्तित्व होती हैं जो हमें लगातार और बेहतर बनने का प्रोत्साहन देती हैं। इसलिए इन बुराइयों को वर्ग में रखना उचित नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से। वाह, क्या बात है हसीना जी, हमारा असर आप पर दिखाई देने लगा है। क्या धारा प्रवाह हिंदी बोली है आपने, बढ़िया, बधाई हो। और आप करिश्मा जी? हम का क्या विचार है आपके इस विषय पर? जो मैडम सर ने कहा उससे हम 100% सहमत हैं। सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। हमारा दृष्टिकोण तो एक ही है, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारे तरीके अलग अलग हैं। और जब से हम दोनों को ये बात समझ में आई है, तब से हम दोनों एक दूसरे के विचारों को काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हमें नहीं लगता है कि हमारे बीच में कोई मतभेद है। अब आप चाहे तो ये बात विभाग तक पहुंचा सकते हैं, और हाँ, ये काउंसलिंग भी आप यहीं खत्म कर सकते हैं। क्यों मैडम सर? जी, हमें भी यही लगता है कि परामर्श की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और ये विवरण आप विभाग में भेज सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है। सुखद सूचना है ये जानकर हमें अधिक प्रसन्नता हो रही है कि आप दोनों के बीच अभी कोई मतभेद नहीं है। यही तो सब चाहते थे, इसलिए तो हम यहाँ आए थे। अब हमारा काम हो गया है, बधाई हो। इसी खुशी में आप दोनों चाय पीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया जी। इस बात पे चाय पीजिए। नहीं नहीं, चाय आप पीजिए। पी लीजिए, वरना आपके भैया आकर कोई और काम ना बता दें। एक ही कप है इसलिए हम कह रहे हैं आप पीजिए। इसलिए तो कह रहे हैं एक ही कप है, आप पी लीजिए। नहीं नहीं, आप हमारी सीनियर हैं, आपका पीना बनता है, हम बाद में पी लेंगे, आप पीजिए। एक सेकंड, इसमें सीनियर और जूनियर की बात कहाँ से आ गई? चाय चाय होती है, फर्क क्या पड़ता है, आप पी लीजिए। नहीं, हम आपका इज्जत करते हैं, हम नहीं पी सकते, आप पीजिए। अब इज्जत और बेइज्जती इसमें कहाँ से आ गई? ठीक है, हम सीनियर के नाते आपको ये ऑर्डर देते हैं करिश्मा सिंह कि आप चाय पीजिए। अब आप ऑर्डर के नाम पर अपना आइडियोलॉजी हम पर थोपेंगी तो फिर कौन ऑर्डर मानेगा मैडम सर? अच्छा, वरना तो आप हमारे सारे ऑर्डर्स तुरंत मान जाती हैं। हमने ऑर्डर दिया नहीं कि आपने तुरंत फॉलो कर दिया, नहीं? यही तो प्रॉब्लम है आपकी मैडम सर, ना आप हमें कभी समझी है ना समझेंगी। आपको कब से बोल रहे हैं आप चाय पी लीजिए, आपका इज्जत करते हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं। इसमें भी आपको प्रोटोकॉल, आपको ऑर्डर्स और आपको डिसरिस्पेक्ट नजर आ रहा है। पर वाह, अगर झूठ बोला ही है तो कुछ मिनट और टिके रहते उस पर, पीठ फेरते ही घमासान शुरू। हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप दोनों झूठ बोल रही हैं, कोई तालमेल स्थापित नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, आप दोनों वैसी ही हैं जैसे हमारे आने के पहले थी। क्योंकि अगर आप दोनों में रत्ती भर की मैत्री भाव की भावना होती तो ये चाय की समस्या इतनी विकट तो नहीं थी कि इसका हल इतना कठिन था। अभी तक तो आप दोनों समझ गई होंगी कि ये चाय हम यहां छोड़कर बाहर क्यों गए थे, आप दोनों की कथनी की सत्यता जांचने के लिए, जिसमें आप दोनों पूरे नंबरों से अनुतीर्ण यानी कि फेल हो चुकी हैं। तो इसमें ज्ञान की बात यह है कि उल्लू को अंधेरा और चमगादड़ को सवेरा दिखाना मूर्खता है। तो खैर, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए,
केस को सुलझाइए और उसके बाद हम देखते हैं कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए। आने के लिए धन्यवाद, शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय हिंद। जय हिंद सर। यही तो हम कह रहे थे, कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप चाय पी लीजिए चाय पी लीजिए। आप पी लेते तो क्या हो जाता, आपकी वजह से ना सब चूरन हो गया है। हमारी वजह से? तो और किसकी वजह से? अगर आप पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, ये काम आप भी तो कर सकती। जय हिंद। मतलब सुधार की किसी भी तरह की कोई आशा नहीं है। जब तक आप दोनों को अनुभव के अनुभव का ज्ञान नहीं हो जाता, आप दोनों के बीच सुधार कभी नहीं हो सकता। अब तक तो हम केवल ये विचार कर रहे थे कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि आप दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए। देखो अनु भैया। सर। अनु सर। 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 चाची कह रही थी कि आप आज रात को अगर खाने पे आएंगे तो। हम व्यस्त हैं, हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, रात्रि भोजन वहीं करेंगे। चाची को हमारा प्रणाम कहना। जी सर। जी। जय हिंद। एक मिनट, उस औरत का स्केच बन गया है। यही है वो औरत जो ले भागी है एक मासूम बच्चे को अस्पताल से। जी हाँ दर्शकों, अगर आपको ये औरत कहीं भी नजर आए तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। हे वाह सनी, तूने इतनी जल्दी स्केच टेलीकास्ट करवा दिया। अरे आपके लिए कुछ भी संतो जी। देखो कुछ सीखो पुष्पा जी से, लगता है किसी के प्यार में पड़ी है। ओहो, फिर तो जिसके प्यार में पड़ी है वो बेचारा मुसीबत में पड़ गया होगा। पुष्पे। हाँ, हाँ। क्या हुआ? कैसा है? कौन है, कौन है? लेडी लग रही है। अब बताओ तू कौन है? देखा देखा सा लग रहा है। क्या देखा देखा सा लग रहा है? नहीं, ये देखो, देखो ये तिल, देखो ये तो आप लग रही है। वही तो जिसका ये स्केच है, सामने ही तो है। ऐसे मुंह क्या बिगड़ के बोल रही हो? नहीं मेरा मतलब है ये तो आप ही है ना, स्लिम लग रही है इसमें। कितने अरमान थे हमारे, एक दिन हमारा भी ऐसा स्केच बने और हमारा जो हॉल है ना वहां दीवार पे सजे। 3,000 रुपए लिए ना लायक ने। हाँ? मगर क्या स्केच बनवाया ना। वाह। अब देखना, घर जाते सबसे पहले करिश्मा जी का पुराना वाला स्केच हटाएंगे और हमारा नया वाला स्केच लगाएंगे। जलबुन के कबाब हो जाएगी वो। अरे पुष्पा जी सिर्फ हॉल में क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को देखना चाहिए स्केच मेरे न्यूज चैनल के जरिए। हाँ सिर्फ हम क्यों हंसे, लोगों को भी हंसने का मौका मिलना चाहिए ना। नहीं, पुष्पा जी हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि आप इस उम्र में इतनी खूबसूरत, इतनी मेंटेन कैसे रहती हैं। हाँ हाँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी माते, स्केच में, स्केच में, रियल में, स्केच में। बिल्लू कर रहा हूँ, डीएसपी सर आ गए ना। सर हमारा स्केच खराब कर दिया। ओह सॉरी सॉरी, डीएसपी साहब नहीं आए हैं। संतोष जी हमारा सारा स्केच खराब कर दिया। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए। हाँ हाँ कहिए। क्या आपने उस औरत को देखा है? कहाँ देखा है आपने? आलमबाग में। आलमबाग, आलमबाग में सब्जी मंडी में रहती है। ठीक है। गली नंबर 17, 17 नंबर का मकान।
बहुत अच्छा काम किया आपने पुलिस की मदद करके, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष, बोलिए। मैडम सर एक खुशखबरी है, वो जो बच्चा चोर वाली लेडी है ना उनके बारे में पता चल गया। क्या? आलमबाग में रहती है, गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। थैंक यू संतोष, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, उस औरत का पता लग गया है। आलमबाग गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। चलिए, बहुत बढ़िया, छोड़ेंगे नहीं इसको। धीरे धीरे, इतनी जल्दी भी नहीं। नहीं मैडम सर, टीवी पर उसका फोटो फ्लैश हो रहा, हमारे हाथ से निकले उससे पहले हम उसको धरना है आज। करिश्मा सिंह, हम भी वही कह रहे हैं कि उस औरत का फोटो हर जगह फ्लैश हो रहा है, वो कहीं भी जाएगी तो पकड़ी जाएगी, तो फिर इतनी तेज चलाने का क्या मतलब है? प्लीज बी सेफ। जय हिंद संतोष, बोलिए। मैडम सर एक खुशखबरी है, वो जो बच्चा चोर वाली लेडी है ना उनके बारे में पता चल गया। क्या? आलम पार्क में रहती है, गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। थैंक यू संतोष, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, उस औरत का पता लग गया है, आलम बाग गली नंबर 17 और मकान नंबर भी 17। चलिए। सब्जी ले लो, सब्जी। ताला लगा है? हाँ, सब्जी वाला, उससे पूछते हैं। भाई साहब, ये इनको देखा आपने कहीं पे? ये तो रूपति है। हाँ, यही रहती हैं। कहाँ गई हैं? अभी तो उस तरफ गई है। करिश्मा सिंह रुकिए, करिश्मा सिंह। करेंगे, इसने जो किया ना वो बहुत गलत किया बच्चों के साथ। पुष्पा जी, संतोष जी, पुष्पा जी, ये गलत है, पाप है, अत्याचार है, अन्याय है। इस अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, ऊपर तक जाऊंगा मैं। ऊपर तक? कहाँ तक? फर्स्ट फ्लोर तक जाऊंगा, वहाँ चढ़कर अपनी आवाज उठाऊंगा। वहाँ भी किसी ने नहीं सुनी तो उसके ऊपर जाऊंगा मैं।
थाना से फर्स्ट फ्लोर तक ही है। तो संतोष जी, मैं हमारी एसोसिएशन में जाऊंगा। कहाँ कहाँ? हमारी चोरों की एसोसिएशन होती है, वहाँ वहाँ कंप्लेंट लिखवाऊंगा मेरे अन्याय के खिलाफ। कौन सा अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ? कौन सा अन्याय? ये औरत जो छोटे छोटे बच्चों को चुराती है, उनके माँ बाप से उनको अलग करती है, इस औरत, इस गुनहगार को मेरे बिल्लू निवास में रखकर मेरा बिल्लू निवास अशुद्ध कर दिया है। अम्मा बिल्लू चुप करो और हमें हमारा काम करने दो। नहीं, नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मेरी आवाज दूर तक जाएगी। पुष्पा जी हाँ जी नमस्ते, हम महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। जी आलोक कुमार जी, बच्चा चोरी के इल्जाम में हमने जिस रूपवती नाम की महिला को पकड़ा है, उसका कहना है कि उसने एक बच्चा आपको भी बेचा है, तो इसीलिए कल सुबह 10 बजे आके हमारे थाना प्रमुख से मिली है। देखिए, आपने ये जो काम किया है ना, वो गैर कानूनी है और इसके लिए आप पर भी FIR की जा सकती है। आपको जो कुछ भी कहना है, यहाँ आइए, हमारी SHO मैडम से बात कीजिए। जय मैडम, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो मेरे पिल्लू निवास का क्या हाल कर दिया है मैडम। लुटेरा, डाकू, चोर, उचक्का, किसी को भी मेरे बिल्लू निवास में रखना है रखो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस औरत को मत रखो प्लीज। अभी के अभी इसको मेरे बिल्लू निवास से निकाल दो। अभी के अभी? अभी। पुष्पा जी, ऐसा समझाना चाहिए। अगली बार समझाएंगे। थैंक यू, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि ये बच्चा चोरी का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैडम सर, रूपवती ने जितने भी नंबर्स दिए, लगभग सबके साथ हमारी बात हो गई है और वो लोग कल सुबह 10 बजे थाना आ जाएंगे। गुड। और शिखा, उसके बच्चे का क्या? रूपवती ने शिखा के बच्चे को जिस दंपति को बेचा, वो बार बार रॉन्ग नंबर बोल रहे हैं और रूपवती का कहना है कि उसने उस दंपति के साथ उसी नंबर पे बात की थी। करिश्मा सिंह, प्लीज आराम से। देखो भैया, ऐसा है, यहाँ पे सबको लगता है कि हमको मार धाड़ करना बहुत पसंद है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब हमें एक बात बताओ, अगर हम अपराधी से कोई सवाल करते हैं, वो हमें सीधे सीधे सच्चाई से सब जवाब दे देगा, तो क्यों हम उसको हॉस्पिटल पहुँचाएं? हमें शौक थोड़ी है हॉस्पिटल पहुँचाने का, और सजा देना हमारा काम नहीं है, वो कानून का काम है। इसलिए आप शांति से, पहले तो शांति से बैठिए। हाँ, अब फटाफट सर झुकल दीजिए। क्या ना, अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में दिक्कत में आ जाओगी तुम। काबे, क्या है? क्या क्या चिल्ला क्या रही हो? हाथ भी नहीं लगाए अभी तुमको। डर के मारे चीख निकल गई। आप उस कपल का सही नंबर बताइए। मैडम जी, जिस कपल को हमने शिखा का बच्चा बेचा है, हम उसका सही नंबर दिए हैं। हम, आप ही बताइए, सारा नंबर हम आपको सही दिए हैं, वही एक नंबर हम गलत क्यों देंगे भला? एक बात बताओ, तुम ये बच्चा बेच देने के बाद ये कपल का नंबर इतने टाइम तक संभाल के रखती क्यों? ब्लैकमेल करने के लिए। जिनको हम बच्चा बेचते हैं उनका नंबर हम रख लेते हैं, ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल कर सकें कि ये बच्चा चोरी का है, और ये कह के उनसे मोटी रकम ऐंट सके। मैडम जी, तुम जैसी दिखती हो उसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हो। क्या? क्या? जिस कपल को तुमने शिखा का बच्चा बेचा, उनके बारे में क्या बता सकती हो? एक आदमी और औरत आए थे गाड़ी में बैठ के, और उन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांध रखा था। पता नहीं वो हस्बैंड वाइफ थे कि क्या, अब हमको नहीं पता है मैडम जी। उन्होंने कहा था कि उनको एक बच्चा चाहिए और उसके बदले में हमको वो 4 लाख रुपया देंगे। एक मिनट, TDS और GST कट करके राउंड फिगर 4 लाख हुए ना? नहीं, वो IT रिटर्न करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। संतु, हम कंटिन्यू करें प्लीज। एक गाड़ी आई और उसमें दो लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने हमको कहा कि बच्चा पिछली सीट पर रख दीजिए, तो हम गाड़ी के अंदर गए और बच्चे को पिछली सीट पर रख दिए। फिर उन्होंने हमको 4 लाख रुपया दिया और हम वहीं खड़े खड़े पैसा गिने और फिर घर चले आए। गाड़ी के बारे में कुछ याद है? गाड़ी का रंग, मेक, मॉडल, गाड़ी का नंबर कुछ याद है? मैडम जी, गाड़ी के बारे में हम क्या याद रखेंगे, क्या बताएंगे, बताइए। तुमको ना याद दिलाते हैं हम अभी। नहीं रुकिए, याद आ गया,
वो सिल्वर कलर का था, चांदी चांदी कलर का। जब हम गाड़ी से जब नीचे उतरे ना, तो उसका पिछला टायर पंचर हो चुका था। तो फिर हम गए और उस जो आदमी बैठा था उसको हम बोले कि तुम्हारा पिछला टायर पंचर हो गया है, उसको ठीक करा लेना, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है ना। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो दोस्तों, एक बार फिर महिला पुलिस थाने के सर एक नया केस सॉल्व कराने का सहरा सज चुका है। जी हाँ, बच्चा चुराने वाली औरत पकड़ी गई है। आइए देखिए, पिछले 5 सालों से जो भी बच्चे चुराए गए थे उन्हें सही सलामत अपने माँ बाप तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये है वो औरत रूपमती जिसने बच्चे चुराए थे। दर्शकों, इस औरत ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस पूरे सर्किट को हैंडल किया था। सबसे पहले तो ये बच्चे चुराती थी, फिर IVF हॉस्पिटल्स के बाहर पहुंच जाती थी और वहां बच्चे की चाहत में आने वाले वो जो कपल्स थे उनको बच्चे बेच डालती थी। और आज वो पकड़ी गई है और आज इन सब बच्चों के जो माँ बाप हैं उन्होंने पूरी महिला पुलिस थाने की टीम को मालाएं पहनाकर अपना आभार प्रकट किया है। और तो और, हमारी गवर्नमेंट ने पूरी महिला पुलिस थाने टीम को 1,00,000 नगद कैश प्राइज दिया है और उनकी हौसला अफजाई की है। और मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मुझे गर्व है ऐसे शहर के नागरिक होने की जहाँ की महिला पुलिस थाने की पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती हैं। कट। ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये केस तब सॉल्व होगा जब आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। शिखा, हौसला रखिए, शिवजी सब ठीक कर देंगे। कब तक एक माँ से अपना बच्चा दूर रह सकता है बताइए। शिखा, तुम्हारा मिट्ठू, आओ। मिट्ठू, मिट्ठू। शिखा, अब इत्मीनान से घर जाइए और सबसे पहले बच्चे का पेट भरिए, पता नहीं कब से बेचारा भूखा होगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर, आपने ये कैसे? ये सब उस पंचर टायर का कमाल था। IVF सेंटर के आसपास जितने भी मैकेनिक्स थे हमने सबको कांटेक्ट किया, पूछा कि पिछले कुछ दिनों में कोई पंचर गाड़ी उनके पास आई है कि नहीं। उनमें से एक ने कहा कि 2 दिन पहले एक सिल्वर कलर की गाड़ी उनके पास आई थी जिसमें से लगातार एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। हमने ज्यादा डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि उसी के पास में एक पेट्रोल पंप है। हमने पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज मंगाया। फुटेज में गाड़ी का नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट से हमने एड्रेस ट्रैक किया और फिर एड्रेस से हम उस कपल के पास पहुंच गए। उस कपल ने हमसे माफी मांगी और तब जाकर हम शिखा की अमानत उसे लौटाने में कामयाब हुए। मैडम सर, आपने तो कमाल कर दिया। सचमुच आपका जवाब नहीं, जहां हम सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है वहां आप अपनी सूझबूझ से केस सॉल्व कर ही देती है। हम सहमत है पुष्पा जी आपसे, सही मायने में अब केस सॉल्व हुआ है और इस केस को उसका अंजाम मिला है। मैडम सर, कल की हेडलाइन के लिए एक तस्वीर हो जाए। बिल्कुल। तो आइए आप सर। आइए। मैं फोटो खींचता हूँ, इधर लो भाई। इसमें फोटो निकलता है ना? हाँ हाँ निकलता है। रेडी स्टेडी स्माइल प्लीज। जी आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। वैसे आप जानते हैं हमारा रुचि तो नहीं है ये पिक्चर विक्चर में, लेकिन आपका बहुत मन है ना तो देख लेते हैं। हाँ डिनर भी बाहर ही करेंगे, बहुत टाइम से हमने डिनर नहीं किया बाहर। ठीक है, हम निकल रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं वहाँ पे। हाँ संतू, जब भी मैडम सर आएगी ना तो ये सब साइन करवा लेना उनसे। ठीक है, ओके, चलो गुड नाइट बिल्लू जी। क्या गुड नाइट संतोष जी, कहो, तजुर्बा कहता है हमारा।
क्यों कहूँ, तजुर्बा कहता है हमारा। अरे करिश्मा मैडम कहती है टोपा होका, और मैडम सर कहती है तजुर्बा कहता है हमारा। ये मैं दिन भर 4-5 बार नहीं सुनता ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। अभी करिश्मा मैडम टोपा होका इनका 4-5 बार कोटा खत्म हो गया है, लेकिन हसीना मैडम तो आई नहीं थाने में, तो उनका कोटा बाकी है ना, इसीलिए बोलो तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि क्या जमानी, क्या वजन वजन पैदा करो। वजन पैदा नहीं किया जाता है बिल्लू जी, बढ़ाया जाता है। कैसे समझाऊं मैं आपको, पता नहीं वैसे मैडम सर हमेशा इन्फॉर्म करती है, अगर नहीं आना होता है, आज इन्फॉर्म भी नहीं किया है, पता नहीं कहाँ गायब है। संतू बता दे करिश्मा मैडम को कि ड्यूटी के अलावा भी हर एक की अपनी निजी जिंदगी होती है, निजी काम होते हैं, गई होंगी कहीं अपने निजी काम के लिए, है ना। हाँ पर मैडम सर को क्या पर्सनल काम होगा। क्यों क्यों नहीं हो सकता भाई, जवान है, खूबसूरत है, शादी की उम्र की है, तो गई होंगी किसी से मिलने। ओ या ओ या, क्या ओ या, डेट पे जा सकती है ना। हाँ हाँ गई होंगी शायद, अब शादी के लिए क्या जरूरी होता है, हमारे लाला की तरह एक अच्छा लड़का, तो उसके लिए बाकी लड़कों से मिलना भी तो पड़ेगा ना उनको। पर आजकल अच्छे लड़के मिलते भी कहाँ है, है ना। काश मैं पता लगा पाती मैडम सर किससे मिलने गई है। सुनिए ना, आप सबका हो गया हो तो पुष्पा जी हम चलें। बिल्लू, डीएसपी साहब अपने आज थे क्या पूरे दिन ऑफिस में। हाँ तो कोई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि डीएसपी साहब मतलब हमारे बहुरानी के लाडले भैया और हमारी हसीना मैडम कहीं दोनों साथ में पूरा दिन तो नहीं एक साथ गुजारा उन दोनों ने। अच्छा अब ऐसे, अरे हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है। नहीं हमारे कहने का मतलब यह है कि दोनों सुंदर हैं, सुशील हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, कुंवारे हैं, पुलिस में हैं, और क्या चाहिए। कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ऐसा कुछ नहीं, वही जैसा आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अनु भैया और मैडम सर साथ नहीं थे। आपको कैसे पता साथ नहीं है। हमने कॉल किया था ऑफिस में, हमें पता लगा वो ऑफिस में थे, तो साथ नहीं थे। थे ना, अभी भी है, आपको कैसे पता। कुछ कुछ होता है। मजा आया। सिपाही रामचरण बोल रहे हैं क्या आप। हाँ सुनिए ना, हम करिश्मा बोल रहे हैं, आप साहब से बात कराइए, थोड़ा अर्जेंट है। साहब तो नहीं है मैडम, वो राउंड पर निकले हैं, उत्तम नगर टॉकीज की तरफ गए हैं। कब निकले। यही कोई आधा घंटा हुआ होगा मैडम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जय हिंद मैडम। हाँ जय हिंद। मैडम आप प्लीज, अब मैडम सर को डायरेक्ट पूछ रही हो ना कहाँ थी वो। अभी मैं तो घर पे चली जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। प्लीज थैंक यू सो मच। नींद उड़ाने के ना बहुत सारे तरीके आते हैं, हमें उड़ाए तुम्हारी नींद नहीं। तुमको हमने बोला है मैडम सर का लोकेशन ट्रेस करो, तो करो। देखिए ये बहुत गलत बात कर रही हैं आप। संतु करो जल्दी करो, मगर ऐसा आपको सीनियर का लोकेशन ट्रेस नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसा होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमारे थाने का SHO का हम पूरा खबर रखे, हम उनसे संपर्क में रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हम कर सकते हैं, हमें हक है इस चीज का। संतु हाँ तुम करो करो जल्दी करो। आप सही थी। शुक्र है। नहीं आप नहीं पुष्पा जी, आप सही थी। हम? हाँ मैडम सर की लोकेशन वो उत्तम नगर पे जो सिनेमा हॉल नहीं है वहाँ के चेक नाका का दिखा रहा है, और वहीं पे डीएसपी सर गए राउंड मारने। वैसे कौन सी फिल्म लगी है उत्तम नगर सिनेमा हॉल में। हम आपके दिल में रहते हैं। फिल्म का नाम है, पुष्पा जी ने पूछा तो बता दिया। अमा तुम बिल्लू ऐसा मार लगाएंगे ना, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे तुम थाने के। पुष्पा जी 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 अभी नहीं पॉसिबल लग रहा है ना हमको। नहीं नहीं हो पाएगा पिक्चर। नहीं डिनर भी नहीं कर पाएंगे आज, आप समझिए थोड़ा। आपका फेवरेट सब्जी चना दूधी, वो आके बना देंगे, उससे काम चलाइएगा आज। हाँ देखा देखा। क्या देखा पुष्पा जी। यही कि किसका गुस्सा हमारे बेचारे लल्ला पे उतारा जा रहा है। इनके भैया राजा की पिक्चर और हमारे बेचारे लल्ला की पिक्चर बाइस्कोप।
पुष्पा जी, दुनिया का ये दस्तूर है, जिंदगी बस एक टूर है, हैं? टूर? रोमियो कम इन। यस डेल्टा टू, रोमियो हियर, ओवर। आप कहाँ हैं? आप जानती हैं ना कि इस वक्त हम वायरलेस पर हैं, ओवर। जी हाँ, वो हमें आप आपसे मिलना था, लोकेशन कंफर्म करना था। आप वो उत्तम नगर में सिनेमा हॉल है, आप उसके पास है ना, ओवर। वाह क्या बात है, आपका नेटवर्क तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपने पता लगा लिया कि इस वक्त डीएसपी कहाँ है? वैसे आपने बिल्कुल सही पता लगाया है कि हम उत्तम नगर सिनेमा की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम सिनेमा देखने नहीं जा रहे, बल्कि डिपार्टमेंट के एक महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में जा रहे हैं। हम आपसे कल मिलते हैं, ओवर एंड आउट। चलिए। पानी पी लीजिए ना। रोकिए गाड़ी, रोकिए। सुधा नारायण, एनसीजी। गाड़ी की तलाशी लेनी है। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। बड़ी अच्छी बात है, आप जरा गाड़ी से बाहर आइए। जी, चेक करो। एक मिनट, हमारा आईडी। हम ये आईडी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें तलाशी से कोई एतराज है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आप बस अपना काम कर रही हैं, अपना ड्यूटी कर रही हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। फिर भले ही वो गाड़ी पुलिस की क्यों ना हो। पुलिस की गाड़ी है तभी तो तलाशी हो रही है मिस मलिक। टिप मिली है कि पुलिस की गाड़ी में ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं। स्ट्रेंज, इनफैक्ट दैट्स वेरी सैड। अगर पुलिस ही ऐसा काम करने लगेगी तो आशा करती हूँ कि उन पुलिस वालों में आप नहीं है मिस मलिक। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम जी, एक मिनट आई। सनसनीखेज खुलासा, एसएचओ हसीना मलिक अमीनाबाद ड्रग्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी के आड़ में ड्रग्स के नशीले धंधे में भी थी लिप्त। हम मौजूद हैं एनसीजी दफ्तर के बाहर, जहां किसी भी पल एसएचओ हसीना मलिक को लाया जा सकता है। देखते रहिए आप हमारे साथ, आंखों देखी। एसएचओ हसीना मलिक, जिनके आने से शहर में सुकून आया, अमन की आशा पैदा हुई, लोगों के मन में कानून के लिए एक नई इज्जत पैदा हुई, आज वही एसएचओ हसीना मलिक खुद कानून के अपराधी बनकर यहाँ पर आने वाली है। दर्शकों, सच और झूठ का फैसला तो कानून कर ही लेगा, पर ये बात भी साफ है कि हसीना मलिक को करीब से जानने वाले लोग ये मानते हैं कि वो कोई भी गैर कानूनी काम कभी नहीं कर सकती। बाकी सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला तो हो ही जाएगा और आपके सामने आ ही जाएगा।
हसीना मलिक क्या वर्दी की आड़ में ड्रग्स का गैर कानूनी कारोबार करती हैं? आपको गिरफ्तार होकर कैसा लग रहा है? कब से आप ये कारोबार करी हसीना मलिक? जवाब दीजिए मैम, आपके साथ ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार में और कौन शामिल है? क्या अमीनाबाद पुलिस स्टेशन की और भी महिलाएं इसमें शामिल हैं? बताइए मैम, जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा मैम, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। बताइए मैम, आपके पीछे कौन कौन है? किसका हाथ है आपके पीछे? बताइए, आप बताइए, गैर कानूनी कारोबार में और कौन शामिल, और कौन है आपके पीछे? आप ऐसे नहीं जा सकती मैम। आपको कुछ चाहिए? चाय, पानी, कॉफ़ी, जो चाहिए वो बोल दीजिए। क्योंकि कैसा है ना, ये इंट्रोगेशन काफ़ी लंबा चलने वाला है। हमारी मैडम जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती, राइट मैडम? मैंने सुना है तुमने अपने लिए कोई वकील हायर नहीं किया है। जी नहीं। क्यों? हमने ज़रूरत नहीं समझी। हसीना मलिक, नाटक नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। पुलिस वाली हो इसलिए कोई रियायत होगी, ऐसा सोचने की बेवकूफ़ी भी मत करना। उल्टा तुम जैसे पुलिस वालों से ना मेरी जाति खुंदक है, जो वर्दी की आड़ में कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा तो मैं जीना हराम करके रख दूंगी हसीना मलिक, नर्क बना के रख दूंगी तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को। बताओ कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस ड्रग्स रैकेट में? तुम्हारी गाड़ी में जो हमें ड्रग्स मिले हैं वो कहाँ डिलीवर होने वाले थे? तुम चाहो तो ये कह सकती हो कि जो ड्रग्स हमें तुम्हारी गाड़ी में मिले हैं वो तुम्हारे हैं ही नहीं, किसी और ने तुम्हारी गाड़ी में प्लांट किए हैं, साजिश की है किसी ने तुम्हें फंसाने की। तुम जैसे पुलिस वालों के तो वैसे भी हजारों दुश्मन होते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। क्यों, तुम चाहो तो ये कह सकती हो? सभी यही कहते हैं पकड़े जाने पर। इनफैक्ट तुम्हारा वकील भी पूरी शिद्दत से अदालत में यही साबित करने की कोशिश करेगा। तो फिर कहीं से प्रैक्टिस शुरू करें? तो चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और जुगाड़ यहाँ से बच निकलने का, या फिर कोई और खुराफात कानून की आंखों में धूल झोंकने की? बोलो, कुछ तो बोलो। जानती हो ना हसीना मलिक, तुम्हारी ये खामोशी अदालत में तुम्हारे खिलाफ जा सकती है, या फिर यूं कहूं कि इसी खामोशी को तुम्हारा कन्फेशन माना जा सकता है। बहुत बुरी तरह से फंसोगी हसीना मलिक यूं खामोश रहकर, और तुम्हारी यही खामोशी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि SHO हसीना मलिक जैसी बेदाग और आदर्श छवि वाली महिला पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराध में संलिप्त पाई जा सकती हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हें भी झुटलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर वह वाकई में गुनहगार हैं, तो ना सिर्फ उन्होंने महिला पुलिस थाने की गरिमा को धूमिल किया है, बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और पूरे पुलिस फोर्स को भी शर्मिंदा किया है। बिना सच्चाई जाने ये कैसे कुछ बोल सकते हैं? इन्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं है पुष्पा जी? लोकतंत्र है बेटा, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ, पर ये जो भी हो रहा है ये सब गलत। देखना, एक दिन ऐसे झूठ के बादल छटेंगे और सच का सूरज उगेगा। आज नहीं तो कल हसीना मैडम की बेगुनाही सबके सामने आ ही जाएगी। फिर ये लोग समझेंगे कि उनके जैसी अफसर देश और कानून का गौरव होती है, ना ही उनकी शर्मिंदगी का कारण। खैर ये सब छोड़ो,
पहले ये सोचो कि हम हसीना मैडम की बेगुनाही कैसे साबित करें। कौन हो सकता है जिसने हसीना मैडम को फंसाने की कोशिश की? क्या हुआ? क्या वो डॉक्टर 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 को क्यों बोली नहीं निकल? क्यों बोली 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 नहीं निकली? डॉक्टर डॉक्टर अब टेंशन मत लो। पानी 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 का क्या करेंगे? आवाज अटक गई है। नहीं सुनो जल्दी डॉक्टर। नहीं 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 पुष्पा जी क्या हुआ? कर रही हो आप? मैडम की बोली आप टेंशन नहीं। कोई है? कोई कोई है? हाँ हमको पता लगाना है मैडम सर, मैडम सर को किसने फंसाया, कौन है वो आदमी, हमें पता लगाना है ना। हाँ हाँ कौन हो सकता है वो इंसान? सोचो सोचो अपने दिमाग से सोचो। सोचते हैं सोचते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ तुम्हारी गाड़ी से जो ड्रग्स बरामद हुए वो कहाँ डिलीवर होने वाले थे? तुम्हारा और कोई बॉस भी है या फिर तुम खुद ही रैकेट चलाती हो? काम कर रहे थे मैडम, हम जर्नलिस्ट है, ये रहा हमारा आई कार्ड। मैडम हम तो हसीना मलिक के साइड में, हम तो उनके फैन है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम वो बेगुनाह साबित हो। पर मैडम वो हमारे अकेले जाने से क्या होता मैडम? अब आपको भी पता है मैडम, अब जिसने भी हसीना मलिक को फंसाया ना, अब ऐसे केस में फंसा है, अब तो कोई चमत्कार ही उनको बचा सकता है। हमारे होते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जमीन खोद कर निकालेंगे, आसमान फाड़ कर, लेकिन खोज कर निकालेंगे उस इंसान को जिसने मैडम सर के साथ ये बदतमीजी किया और महिला पुलिस थाने का नाम खराब किया है। भौकाल दिखाएंगे उसको हम अपना। आखिरी बार पूछ रहा हूँ हसीना मलिक, कुछ कहना है तुम्हें अपनी सफाई में? नहीं। मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि यूं खामोश रहकर तुम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाहती तो मैं यही थी तुम्हें यहां से सीधा अदालत और अदालत से सीधा जेल पहुंचाऊं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की सही जगह ना वही है। मैं तो क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर हूं, और इसीलिए ये शो कॉज नोटिस तुम्हें जारी किया जा रहा है। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। अब इन 2 दिनों में या तो खुद को इनोसेंट प्रूफ करो, या फिर आने वाली 26 तारीख को तुम्हें फिर से अरेस्ट किया जाएगा और इस बार मुकदमा दायर करके तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम सुधा नारायण की निगरानी में हो। वो सुधा नारायण जो अपने शिकार की सोच पर भी पूरी नजर रखती है। बत्रा जी इन्हें छोड़कर आइए। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अकेले जा सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है तो फिर पीछे के दरवाजे से जाइए, सामने मीडिया है। क्या कहते हो मैडम, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? खामोश रहने के पीछे हमेशा 2 ही वजह होती है बत्रा जी, गुनाह का एहसास या फिर कोई गहरा राज। अब इसकी खामोशी के पीछे क्या वजह है ये तो जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक इस पर नजर रखिए। Thank you.
चुप का है, आप कुछ बोल का है नहीं रही है। बताया कि नहीं आपने उनको? जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझा मतलब? इतना बड़ा आरोप लगा मैडम सर आप पे, आपने उनको बोला का ही नहीं कि आप निर्दोष है, ये फंसाया जा रहा है आपको, किसी का कोई साजिश रच रहा है आपके खिलाफ। हम एक प्लान बनाए हैं, आप सुनिए, ओके कीजिए और हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दो दिन का समय मिला है हमें आपको निर्दोष साबित करने के लिए, उसमें भी आप कह रही है कि एक एक मिनट कीमती है अभी हमारे लिए, आपको प्लान नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है हम वो करेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी करिश्मा सिंह, हमने कहा ना किसी प्लान की जरूरत नहीं है। ठीक है हमारा प्लान नहीं, लेकिन आपने कुछ सोचा है, कोई और प्लान है आपके दिमाग में तो हमको बताइए, हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, आप बताइए हमको। या फिर आपको पता है ये सब किसने किया है? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है मैडम सर? आप खुद कुछ करेंगी नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगी, चर क्या रहे हमें समझ में नहीं आ रहा है। या फिर आप भरोसा नहीं करती हैं हम पर? हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नहीं चाहिए हमें किसी की मदद करिश्मा सिंह। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो प्लीज फिलहाल के लिए हमसे दूर रहिए, हमारी मदद करने की कोई कोशिश मत करिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, यही आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। कैसा बर्ताव कर रही हैं आप मैडम सर, क्या हो गया आपको? गाड़ी रोकिए। हाँ गाड़ी रोकिए। नहीं हम नहीं रोक रहे, हम आपसे कह रहे हैं गाड़ी रोकिए मतलब रोकिए। आप ऐसा काहे कर रही हैं मैडम सर? करिश्मा सिंह हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। नहीं लेकिन हमको जानना है आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं एकदम से, इतना डिफरेंट। हद होती है करिश्मा सिंह, एक बार कह दिया बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी। हद तो आपको हमारा पता है, अगर हम कुछ ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं, हमें दो दिन का समय मिला है आपको निर्दोष प्रूफ करने का, वो हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, हमारे रहते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप गाड़ी में बैठिए, बैठिए आप प्लीज बैठिए। करिश्मा सिंह होल्ड ऑन, मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दीजिए और हमारी मदद करना बंद करिए, ओके? लीव मी अलोन। क्या कह रही हैं आप? मैडम सर ने कहा उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमारी भी नहीं। जी हाँ ऐसा कहा उन्होंने साफ साफ शब्दों में। पर क्यों? क्यों क्यों बात नहीं करना चाहती गन्ना जूस का? हमको नहीं मालूम पुष्पा जी, हम तो खुद बहुत चक्कर रह गए उनका ये बात सुनकर। हम तो उनको कितना समझाया लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि हमको मदद का जरूरत नहीं है, हमको इनोसेंट प्रूफ नहीं करना है, खुद को हमसे दूर रहिए, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम आपको प्यार से बात करनी चाहिए थी ना। तुमको क्या लगता है हमको प्यार से बात करना नहीं आता है? नहीं। अरे इनको छोड़िए, मगर मैडम सर ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा मतलब हम झूठ बोल रहे हैं पुष्पा जी? अरे मैडम पूरा लखनऊ जानता है कि आप झूठ नहीं बोलती है। क्या बात क्या बात क्या बात। हमें चुप करो, मगर एक तरीका होता है ना बात करने का। मतलब हमको नहीं आता अच्छे से बात करना, क्या करते हम उनका पैर पकड़ लेते कि हम आपका मदद करना चाहते हैं, हम आपको इनोसेंट प्रूफ कराना चाहते हैं, हमारी बात मान लीजिए। अगर जरूरत पड़ती ना पुष्पा जी तो उनका पैर पे भी पड़ जाते हम, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी ना। हमको पता है क्या चल रहा है। क्या पता है आपको क्या चल रहा है? जब से वो डीएसपी आपके अन्नू भैया आए हैं ना, आपके तेवर कुछ अलग ही हो गए, ऐसे ही अकड़ अकड़ की बात करती है सबके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसी अकड़ के बात की होगी हसीना मैडम से, इसलिए उन्होंने मना कर दिया हम सबकी मदद लेने से, वरना वो हमें हमें मना कर ही नहीं सकती। सही बात। का सही बात है, का सही बात है, तीनों का वो हाल करेंगे ना। देखिए जो भी हो, जब तक हम उनके साथ बात नहीं करते ना, हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी, और हमें पता है वो हमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। हम अभी उनको पूछते हैं। हाँ पूछो पूछो। आपका फोन भी नहीं उठाया? अरे रे रे रे। क्या क्या चुक 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 चुक। किसी काम में व्यस्त होंगी ना वो, हमारा नंबर देख के वापस हमें फोन करेंगी। नहीं हमने तो तय कर लिया है, हम उनके घर जाके उनसे जवाब मांगेंगे। हाँ तुम कहाँ चली? अपने डेस्क पर। नहीं तुम हमारे साथ चलोगी,
कहाँ? ये जो ड्रामा हुआ है ना, जिसने भी किया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हम वर्दी पे नहीं जा सकते, हमको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम भी जाके चेंज करो, हम भी कुछ और पहनते जाके। हाँ मैं, आप घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। और जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिए, पिछली बार की तरह नहीं। ठीक है, चलिए अब हम वॉक पर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। ये पुष्पा जी कहाँ से आ गई इस वक्त? सच जाने बिना ये जाएंगी नहीं और हम इनसे झूठ बोल पाएंगे नहीं। बेहतर होगा फिलहाल हमारा इनसे आमना सामना ही ना हो। हसीना मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? दरवाजे पर ताला भी नहीं, मतलब वो घर के अंदर ही हैं। हे भगवान, कहीं करिश्मा मैडम सच तो नहीं कह रही हैं? हसीना मैडम हमें ताल तो नहीं रही हैं? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, हम तो उनकी प्यारी पुष्पा जी हैं। माफ कीजिए पुष्पा जी, मजबूरी है, अच्छा नहीं लग रहा, पर ना चाहते हुए भी आपको अवॉइड करना पड़ रहा है। हम पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, सफर खत्म हो गया, यहीं रुकना था। हमने हसीना मैडम का फोन का लोकेशन फाइंड आउट किया था, वो यहीं कहीं रुकी थी लास्ट टाइम। और मेरे खबरियों की खबर के अनुसार ये लोकेशन वही है जहां जिसे ड्रग्स का हॉटस्पॉट कहा जाता है। बिच्चू ड्रग्स गैंग यहां एक्टिव है, जो यहां के लोगों को ड्रग्स बेचते, मतलब सप्लाई करते हैं। यहां ड्रग्स को हलवा कहते हैं। हलवा? हलवा? बस हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि किसने हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग प्लांट किया था। पूरे चांसेस है कि यहीं कहीं से उसने ड्रग्स लिए होंगे। बस हमें ये पता लगाना है कि उसने किस से कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स लिए हैं, ताकि हम उस तक पहुँच सके। एक बार वो कमीना हमारे हाथ लग जाएगा ना, फिर हमको पता चलेगा कि उसने काहे 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 हसीना मैडम के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। क्या लगता है तुमको, ये हो सकता है ड्रग पैडलर? मैडम मेरे बिल्लू द स्पाई की नजर कहती है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कौन करेगा? एक सेकंड, ये क्या 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 बात हो रही है, मुझे कुछ नहीं समझा। वो सामने चप्पल की दुकान है ना, उस आदमी से कंफर्म करना है कि वो ड्रग पैडलर है क्या। कौन करेगा? और कौन करेगा? मैं? ओ, बिल्लू द स्पाई। ओके मैडम, मैं चला जाओ। रुको, क्या है? ये वाला लेके जाओ। ओ माय गॉड, इतना ब्लैक है आज। मेरा नहीं, हम सुन रहे हैं ना काफी।
कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो हसीना मलिक, और तुम्हारा ये राज मैं जानकर रहूंगी। तुम्हारी हर हरकत पर नजर है मेरी। क्या क्या भाव? दूध का? मुझे क्या पता? दूध वाले हो के दूध का रेट नहीं पता तुम्हें? चलना चलना। मैडम अभी निकली है, शायद रोज सुबह वॉक पर जाती होगी। दो दिन मिले हैं उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पत्रा। तुम्हें लगता है कितना कीमती वक्त वो टहलने में जाया करेगी? जरूर उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। साय की तरफ पीछे रहो उसके, एक सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है मैडम। बस एक बार बिल्ला ये ड्रग पैडलर का पता लगा ले, फिर देखो हम क्या करते हैं। पॉलिश चमका दे इसको, चेहरा दिखना चाहिए। अबे चप्पल को तो मैं चमका दूंगा, और इस शक्ल का क्या है? इसकी हालत ना इससे ज्यादा खराब है। शक्ल ना सूरत, और चप्पल पॉलिश करानी है। अबे क्या बोल रहा है, मेरी शक्ल क्या? अरे चल निकलना। शक्ल सूरत सही है नहीं, आ जाते हैं भीख मांगने एकदम। अबे मैं भीख मांगता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बस इस शहर में नया हूँ तो जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मुझे हलवा चाहिए। अबे हलवा चाहिए ना तो किसी हलवाई के पास जा, हैं? इधर पे ना जूते मिलेंगे, दूं क्या तुझे? अरे नहीं भाई, मुझे हलवा चाहिए, समझना भाई समझना, हलवा। मेरे पास बहुत पैसे है, यकीन नहीं आता। ये देख पैसे। पैसे थे, चोरी हो गए पैसे। ए, 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 चलना ए, चल निकल निकल अभी। भाई साहब उधारी दे दो ना। ए, चलना ए। है नहीं यार, का चोरन आदमी है ये बिल्ला। हाँ इसको इतना स्टाइल मारने का कहा जरूरत है, पहले तो हमको ये बताओ तो। सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया इसने। दही? क्या दही? दही का क्या भाव है? अब मुझे क्या पता दही का भाव। दूध का भाव पता नहीं, दही का भाव पता नहीं, कैसा दूध वाला है मेरे भाई। ये क्या कर रही हो मैडम? ये क्या नशेड़ी लगेंगे ना? हाँ नशेड़ी लगेंगे, आप भी खोल दो। बात तो सही है तुम्हारा, है ना? आई एम वेरी स्मार्ट। हाँ यू आर स्मार्ट। चप्पल ठीक कर दो, टूट गई है। हलवा मिलेगा क्या? हलवा ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे मैडम हलवे को हलवा मांगते रोज रोज सुना देखते ना, इसलिए थोड़ा सा। क्या बोले तुम? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो ना वो सुबह से इन्होंने हलवा नहीं खाया ना, तो सब पे भड़क रही है। तो हलवा हलवा दे दो प्लीज, बहुत बहुत तलब लगी है हलवा की। तलब लगी है आपको? तो मैडम इसके बदले हमको क्या मिलेगा? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अरे मैडम 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 अरे मैडम मारी अरे मैडम
मैडम मिल गया ना आपको हलवा, तो आप रख लीजिए मैडम। हम हलवा नहीं चाहिए, नाम चाहिए। आप दोनों हैं कौन मैडम? पुलिस। मैडम सर आप यहाँ, इसका मतलब आपने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था, पर वो नंबर तो आपका नहीं था, तो किस तरह? वो सब बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे बीच की बातें और जो हम आगे बताने वाले हैं वो किसी को नहीं बताओगे। राज रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इतना भरोसा कर सकते हैं हम तुम पर? भरोसा तो मैडम आप मुझ पर कर चुकी है, वरना मुझे यहाँ ना बुलाती। आप इतना भरोसा किया है तो पूरा भरोसा कर लो ना, और बताओ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में तुम एक खबर छापोगे और वो खबर होगी ये। मैडम ये क्या, ये कैसे सच हो सकता है? हमारे पास ये सब बताने का समय नहीं है, ठीक है? इतना कर देना, बाकी की चीजें हम बाद में बताएंगे। हम निकलते हैं वरना हमें कोई देख लेगा। ओके। कितना भी मार लो मैडम, मैं गैंडा चमड़ी हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन अपनी गैंग के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मैडम। मैं माँ का तो बाकी कह रहा हूँ। अच्छा, देखिए अगर हसीना मैडम यहाँ होती ना तो अपने जज्बातों वाले तरीकों से इसका मुंह खुलवा लेती। आप भी थोड़ा उनकी तरह सोच के देखिए ना। पॉसिबल ही नहीं है। हमें भी पता है संतु, इनके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकती है। सोचिए अगर वो इस वक्त यहाँ होती तो वो क्या करती? नहीं, हमें नहीं सोचना है किसी के तरीके से। हमारा तरीका अच्छा है, हम अपने तरीके से उगलवाएंगे इसे सारा सच। देखा हमारी बहू रानी। बिल्ला कितना टाइम? बस आ गया मैडम, जल्दी आओ। ये तो हलवा है मैडम, ये यहाँ क्यों मंगवाया है? ओहो, करिश्मा जी ने इतना मारा कि इसको ये हलवा नजर आ रहा है। पुष्पा जी, हलवा नहीं है, कुचले की पाउडर है, कुचले की पाउडर। हम बकैती नहीं, अंदर आओ। जाओ जाओ अंदर। हाँ हाँ। क्या बात है? मैडम ये खुजली कहा? अरे मैडम मैडम ये तो खुजली होने लगी। मैडम 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 पानी पानी। अच्छी बहुत खुजली हो रही। मैडम 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 मैं आपको सब 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 बता दूंगा मैडम। बताओ, सुन रहे हैं, सच बताओ। मैडम उसका नाम ना बब्बन है मैडम, और मैडम वही असली सप्लायर है मैडम, आप उसको पकड़ लीजिए मैडम, वो आपको सब कुछ बता देगा मैडम। जानते हैं आप भीतर हैं और हमें सुन भी रही हैं। मिल लीजिए, अधिक समय नहीं लेंगे आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। अग्रिम सूचना दिए बिना चले आए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। इट्स ओके सर, हम भी आपके घर कई बार बिना बताए आए हैं, तो इट्स ओके। आप प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉफी ठीक है सर?
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। वैसे हमारे प्रेफरेंसेस काफी मिलते जुलते हैं। आप ठीक हैं? आपको क्या लगता है, आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अम्मा कहती है कि आंखें इंसान के व्यक्तित्व का सबसे स्पष्ट दर्पण होता है। आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। क्या लगता है हमारी आंखों में क्या है? एक बहुत ही गहरी खामोशी। ये तूफान के पहले की खामोशी भी तो हो सकती है। इसी बात की तो चिंता हो रही है। प्रचंड भवंडर के बीचों बीच फंसा कोई इंसान इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है? अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह आराम से कॉफी नहीं पी रहा होता, बल्कि इस मौके का लाभ उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होता जो उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मिल रहा है। और ऐसा दो ही स्थितियों में हो सकता है, या तो आप मुजरिम को जानती हैं, या तो आप खुद मुजरिम हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है? सच कहें तो पहली बार किसी विषय में ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। पहली बार किसी की आंखें पढ़ने में असफल सा अनुभव हो रहा है। पहली बार किसी राज की गहराई का अंदाजा लगाने में विफल हो रहे हैं। अर्ज किया है, कुछ बात है अपनी तो कुछ अंदाज तेरे भी तो हैं। कुछ छुपाया है हमने तो कुछ राज तेरे भी तो हैं। अब अंजाम ही खोलेगा राज अपना, कुछ चाहते हैं मेरी तो कुछ सपने तेरे भी तो हैं। हम तो समझते थे कि इस सृष्टि के सबसे रहस्यमयी शख्स हम हैं, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पता है कि आप सच जानती हैं। बताइए मिस मालिक, आपका राज क्या है? खामोश राज जब खुलते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं सर, सैलाब आ जाता है, सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। मैडम पहले से तपे हुए हैं, झूठ बोलकर सब्र की परीक्षा मत लो, वरना हम मार मार के तुम्हारा चितड़ा उड़ा देंगे। देखो मैडम, मैडम की गाड़ी में ड्रेस की अम्मा कर लो, तुम कर लो, तुम भी कर लो, निकल लो अच्छे से, पहले तुम दोनों कर लो। एक काम करो, इंटरोगेशन भी तुम ही कर लो, कोर्ट भी तुम ही ले जाना, फांसी पे तुम दोनों ही चढ़ा देना। हम तो यहाँ दौड़ने आए हैं ना, टोपा है क्या हम? सुनो बब्बन, सच सच बताओ हमें, तुमने ही हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग्स रखे है ना? नहीं मैडम, ये झूठ है, हमने किसी को नहीं फंसाया है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने किसी को नहीं फंसाया है, उल्टा हसीना मैडम खुद मुझसे ड्रग्स खरीदी थी। भी नहीं था कि वो एक पुलिस वाली हैं। वो तो जब उनकी गिरफ्तारी की खबर अखबारों में पढ़ी तब पता चला कि वो तो महिला थाने की एसएचओ हैं। हसीना मैडम और ड्रग्स? आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? सॉरी मैडम, सर करिश्मा मैडम ने बोला कि लॉक खोल दो तो मैंने खोल दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफी चाहते हैं कि बिना परमिशन के आपके घर घुस आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था आपसे मिलने का, इसलिए। करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। हाँ, आपको हमारा हेल्प नहीं चाहिए, हम भी आपका हेल्प नहीं करने आए हैं, अपना ड्यूटी निभाने आए हैं, आपसे कुछ सवाल है। कैसा सवाल? एक ड्रग डीलर है बब्बन, उसका कहना है आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार है, कोर्ट में गवाही देने को तैयार है,
नहीं, हम जानते हैं ये सब झूठ है, आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए उसको बहुत मारा हमने, इतना मारा कि मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपना स्टेटमेंट बदलने को तैयार नहीं है, अड़ा हुआ है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। आप बता सकती हैं कि क्या सच और क्या गलत है? वो इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं? एक बार आप अपने मुंह से कह दीजिए ये सब झूठ है, आपको फंसाया जा रहा है, हम यहां से चले जाएंगे मैडम सर, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, एक बार बोल दीजिए आप। ठीक है, नहीं कह रही ना आप कुछ भी, आपको क्या लगता है हमारे पास कोई और तरीका नहीं है सच उगलवाने का? हम दोबारा से पकड़ेंगे उस ड्रग डीलर को और वापस से उतना मारेंगे जब तक वो स्टेटमेंट नहीं बदलेगा ना, तब तक मारेंगे उसको। चलो सुन, रुक जाइए करिश्मा सिंह, बब्बन जो कुछ भी कह रहा है वो इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा है क्योंकि वो सारी बातें सच है, हमने उसे ड्रग्स खरीदे हैं। भगवान भी हमें आकर कहता ना कि आपने ड्रग्स खरीदे, हम नहीं मानते, लेकिन आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि आपने ड्रग्स खरीदे, तो फिर मजबूरन हमें आपको थाने ले जाना होगा। हम SI करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना आपको इलीगल ड्रग्स खरीदने के आरोप में हिरासत में लेते हैं। चलिए करिश्मा मैडम, संतोष इट्स ओके, करिश्मा सिंह वही कर रही हैं जो उनकी ड्यूटी है, जो उन्हें सही लगता है, हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते। चलिए जानते हैं आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रही है, जब तक हम नहीं जान जाते ना वो बात क्या है, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता तो हम लगा कर रहेंगे कि आपके दिमाग में आखिरकार चल का रहा है। अमर टोपा होगा तुम, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? हाँ कौन चीनो जग? नहीं तो क्या? बोलिए मैडम सर, हसीना मैडम, क्या मुसीबत है? आपने हसीना मैडम को गिरफ्तार किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हसीना मैडम है वो, आपकी कैसी हिम्मत हुई उन्हें अरेस्ट करने की? चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो जानती है ना वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कानून कायदा भी कोई चीज होता है कि नहीं है पुष्पा जी? जब वो खुद अपना जुर्म कबूल कर रही है तो फिर हमारा भी हक बनता है ना कि हम भी उनसे पूछताछ करें हिरासत में लेके, और आपको हमारा गिरफ्तार करना दिखाई दे रहा है? उन्होंने जो अपना जुर्म कबूल करके पुलिस की हिरासत से जो भागी है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? उसका कुछ नहीं पड़ा है आपको? देखिए जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं ना, वो बेवजह कोई भी चीज नहीं करती, इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी, वरना हिरासत से भागने वाला बेवकूफी भरा काम वो क्यों करेंगी? हम सबसे ज्यादा तो कानून वो जानती है। जानती है ना, तो उनको ये नहीं पता है कानून से भागने का क्या मतलब होता है? कानून की नजरों में खुद को दोषी साबित होना। और ये सब बातें छोड़ो, उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने बब्बन से ड्रग्स खरीदा है पुष्पा जी, ये बहुत बड़ा वजह है खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाने का। सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, एक सच के पीछे हजार अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक काम कोई भी अपराध तब कहलाता है जब उसके पीछे की मंशा गलत हो या गैर कानूनी हो। मैडम सर ने अगर बब्बन से ड्रग खरीदी है तो उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। वो क्या कारण है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं समझ पा रहे ना क्या सच है? मैं बताती हूँ सच क्या है। जी आप? मैं तुम्हारी हसीना मैडम की मैडम हूँ।
उस स्कूल की प्रिंसिपल जहां तुम्हारी हसीना मैडम कभी पढ़ा करती थी। कुछ दिन पहले मैंने ही उसे फोन किया था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ड्रग्स ओवरडोज का केस है, जरूरत से ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रिया डॉक्टर। ये मेरा स्टूडेंट पवन है, आज सुबह स्कूल के बाथरूम में बेहोश पड़ा मिला और इसके पास एक ड्रग्स का पैकेट भी पड़ा मिला। तो बहुत ही सीधा सादा और अच्छा बच्चा है, पता नहीं इसे लत कब और कहाँ से लग गई। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। इसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? आकाश। आकाश रुको, आकाश आकाश रुको वरना गोली मार दूंगी। देखो आकाश, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मम्मी, काउंसलर, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही हैं। अच्छे से शांत हो जाओ और फिर इस बात का जवाब दो, क्या तुम ड्रग्स लेते हो? हाँ, लेता हूँ। क्यों? दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसके बाद इसकी आदत हो गई और अब तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आकाश, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है और इससे बाहर आना चाहते हो। आधी जंग तो तुम वैसे ही जीत चुके हो, इसलिए घबराओ मत। हम सब मिलकर इस नशे के शैतान से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब एक और एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में और भी कोई है जो ड्रग्स लेता है? स्कूल के ज्यादातर बच्चे लेते हैं मैम, मेरी तरह बहुत से बच्चे हैं जो इस बुरी लत का शिकार है। लेकिन तुम इतने अंडर एज हो, तुम्हें ड्रग्स मिलते कहाँ से? बहुत आसान है मैम, एक फोन कॉल पर जब चाहो वहां मिल जाती है। एक बात बताओ, वो जो ड्रग डीलर है जो तुम्हें ड्रग्स सप्लाई करता है, उसका नंबर दे सकते हो? फिर एक रात मैंने हसीना को किसी आदमी से ड्रग्स खरीदते देखा। क्या ये सब चल क्या रहा है, कुछ समझाओगे मुझे हसीना मल्लिक? मुझे तो लगा था तुम ड्रग्स डीलर को जेल भेजोगी, पर तुम तो खुद उससे ड्रग्स खरीद रही हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वक्त आने पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैम, भरोसा रखिए। आपकी स्टूडेंट है, आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, राजापुल नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। मैम मैम मैम, रिलैक्स रिलैक्स, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप घबराइए मत। उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच की ये जितनी भी बातें हुई वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी बात वक्त के पहले बाहर आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैम आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। ये सब हसीना ने मुझे मना किया था बताने के लिए, लेकिन जब न्यूज़ देखी उसकी अरेस्ट होने की तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप सबको ये बता दिया। लेकिन आखिर ये हसीना ने किया क्यों? पहेली बन गया है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर फोन करके खुद को अरेस्ट करवाती है। एक ड्रग्स सप्लायर को पकड़वाने के लिए खुद को फंसाने का क्या जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में? ये तो सरासर सुसाइड हुआ, पर मैडम सर ऐसा क्यों करेंगी?